Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं PMNET 2022 के बारे में. जी हाँ गाइस, आप लोगों का PMNET 2022 का गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन हम फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम PMNET 2022 का फुल फॉर्म देखेंगे, पंजाब मास्टर्स ऑफ साइंस नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट. यहाँ पे PMNET का फुल फॉर्म है जो कि एक स्टेट लेवल PG बेस्ड एग्जाम है. इस एंट्रेंस एग्जाम के पास आउट करने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे साइंस नर्सिंग के कई सारे वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं. और इस एंट्रेंस एग्जाम का कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी. इसका जो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है. इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा. किस तरह से करना है, क्या प्रोसेस है ऑफिशियली, ये सारी डिटेल्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. बात की जाए एग्जाम मोड की, तो एग्जाम आपको ऑफलाइन मोड या पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा. पेन पेपर बेस्ड आपको एग्जाम यहाँ पे देना होगा. टोटल एग्जाम कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे जाएंगे. 3 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे अलॉट नहीं किया जाएगा. अब गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते एग्जाम डेट्स की ओर. सो आप लोगों का जो एग्जाम डेट है यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने अनाउंस नहीं किया है. अभी तक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के थ्रू आप लोगों के एग्जाम्स की जो डेट्स है यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट, एडमिट कार्ड की डेट, इवेंट्स की डेट्स अनाउंस नहीं की गई है. लेकिन जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम तुरंत उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में कंप्लीट डेट्स एक्सप्लेन की जाएगी और आप लोगों को नोटिफाई करके बता दी जाएगी. अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते गए यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की ओर. सो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में आपने कोई भी गड़बड़ की, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर की, तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा. तो गाइस अब इसका सॉल्यूशन क्या वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म का एक रफ ओवरव्यू दे देता हूँ. सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस. उसके बाद गाइस आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे एंटर करना होता है पेरेंट्स डिटेल्स. उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होता है. और लास्ट में आप लोगों को जो एप्लीकेशन फी पे करनी होती है. जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद गाइस आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होता है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है. इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो गाइस एप्लीकेशन यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा. बट आपका साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते ही गाइस आप लोगों को जो है एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे हम एक वीडियो बनाएंगे. उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टेप 1 to final सबमिशन तक. गाइस आप लोगों को आपका नाम एंटर करने से लेके एप्लीकेशन फी पे करने तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है आप लोगों को उस वीडियो में बता दिया जाएगा. सो गाइस आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट बात की जाए अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते तो गाइस आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप उसे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, आइए चेक करते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं कि गाइस आप लोगों के पास यहाँ पे जो BSc नर्सिंग या फिर BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग के सर्टिफिकेट रहनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, जो कि पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के थ्रू, पंजाब के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर हो. उसी के साथ गाइस आपके जो है यहाँ पे 55 मिनिमम परसेंटेज आए हुए रहने चाहिए. और नेक्स्ट बात की जाए गाइस यहाँ पे रेसिडेंट की, तो आप जो है परमानेंट पंजाब के रेसिडेंट रहने कंपलसरी है. अगर आप पंजाब के रेसिडेंट नहीं हो तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. आ जाते हैं गाइस अभी एग्जाम पैटर्न पे. सो गाइस यहाँ पे आपके एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं कि टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे. 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा.
पेपर में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपकी नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ आपका जो पेपर रहेगा टोटल 800 मार्क्स का आपका यहाँ पेपर रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों को जो चार ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन में से कोई भी एक जो सही आंसर लगेगा आपको उसे टिक करना होगा। सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके कंप्लीट सिलेबस आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस नहीं हो सकता था गाइस, इसीलिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। नेक्स्ट बात करें अगर एडमिट कार्ड की, तो गाइस एडमिट कार्ड में काफी बेसिक से डिटेल्स रहती रहेगा, आपका फोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सब्जेक्ट्स रहेंगे, टाइमिंग, वेन्यू, ये सारी डिटेल्स दी रहती है। एडमिट कार्ड के पीछे एग्जाम्स के रिगार्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शन रहते हैं। अब गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स को कई बार पता ही नहीं होता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, या फिर उन्हें ये नहीं पता था कि ऑफिशियल लिंक कौन सी है, किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे किस तरह से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे दी जाएगी और आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सेम ऐसे जस्ट फॉर रिजल्ट डिक्लेयर होते आप लोगों को तुरंत अपडेट करके नोटिफाई करके बता दिया जाएगा। सो नाउ आई होप कि PMNET 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।